गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करी अपने सबसे सब भलो हबें। ये जगह खूब बिस्टी पड़ती और हमार जावा लगे दोकने जाती पड़ती ना और हमार शर ठीक नहीं मैं दैट मीस हिंदी बोलती हूँ मैं तभी ठीक नहीं तो मैं बीच से जा नहीं सकता। आप देख सकते हैं काफ़ी तेज बारिश हो गया, पूरा पानी से पूरा सड़क भी पूरा भर चुका है। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाऊंगी। और मेरे घर में एक की ऑलरेडी तबीयत ख़राब है, उस वजह से इस समय बहुत ज़्यादा डाइट हो रहा है जिसके कारण सब परेशान है क्योंकि सबका वेट लॉस होते जा रहा है उसके वजह से दलिया खा कर, क्योंकि हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो कुछ भी नहीं खा पा रही हैं क्योंकि उसका लीवर काफ़ी वीक हो गया है। तो हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो आज हमारा भी वीक होते जा रहा है क्योंकि हम लोग भी कुछ नहीं खा रहे उसके कारण, डेली दलिया खिचड़ी दलिया खिचड़ी। तभी सुबह उसी को लेकर काफ़ी विवाद हुआ है। मेरा साउंड अभी थोड़ा निकल रहा है क्योंकि रात भर मुझे काफ़ी ज़्यादा कह जाने दीजिए, अभी मैं ठीक हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कुछ अरेंजमेंट करते क्योंकि हमारे पास में थोड़ा सा अम्ब्रेला है बट वो टूटा हुआ है, कभी ज़रूरत पड़ी नहीं मुझे अम्ब्रेला की छाते की। एक देखिए ये महारानी यहाँ बैठी हुई है, मैं आपको बैक कमरा करके ना इनकी थोड़ी सी हालचाल बता दूँ। मेरी यहाँ की पूरी सूजी पड़ी हुई है, इसके लेके शॉप तो मैं जाऊँगी क्योंकि काम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, तो मैं जैसे भी हूँ अभी निकलूँगी क्योंकि अभी इतनी बारिश में कोई आएगा भी नहीं और शाम शाम को ही सारे कस्टमर आते हैं क्योंकि सबको बर्थडे का सामान चाहिए होता है। बट जाके साफ़ सफाई करना और बैठे रहना नियम तो नियम है, खोलते हैं जाके। मैं आपको इनका दिखाती हूँ। कहना चाहती है आप मैडम? बहुत काम है घर पे। और इसको मैंने ये मुझे बोलती सुबह सुबह कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप घर पे रहो, मैं शॉप जाती हूँ। और मैं समझ गई थी मुझे शॉप भेजना क्यों चाहती है क्योंकि घर इतना गंदा पड़ा हुआ है, उसको पता है मेरी तबीयत खराब रहे चाहे कुछ रहे पूरा घर साफ करके ही आएगी। तो मैंने उसको कहा तू पूरा घर साफ करेगी, मैं जाऊँगी शॉप में वहाँ का काम करूँगी। नहीं अब मुझे तो कैसे जाओगे, ये सच था ना? ये नहीं सच्चाई बता दे, भोली मत बन, बिल्कुल भोली मत बन। तेरा वेट कितना कम हो गया है? मैं पतली हो गई हूँ बस। ये ये इसने सबको दुबला किया है घर में, दलिया और खिचड़ी खिला के बीमार पड़ के। मैं घर साफ करती हूँ, ये दोनों में से कोई नहीं करता, ये कुछ भी नहीं करते, सच्चाई है। झूठ, ये तो बीमार है, इसको तो हम बिस्तर पे बस सोने देते हैं और दलिया और इसकी जो जो डिमांड है सारी पूरी करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अपना दलिया और खिचड़ी बनाने में फोकस करते हैं। झाड़ू पोछा बर्तन का साफ करना, तू कहना चाह रही है तेरे पे अत्याचार करते हैं? ये कौन सा बोलते हैं वो बच्चों से जो काम कराते हैं? हाँ तो तुम लोग को करना चाहिए ना, तुम लोग झूठ बोलते हो क्या? झूठ के सब हाँ बताएंगे तो दिन भर कैसे सोई रहती हो? तेरे से तेरे लिए सारा कुछ ला के रखते हैं हम भी, खिचड़ी 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 हमारे घर में, ना सब्जी भाजी है ना कुछ है, ये इसकी गवाह है, तू दे गवाह। कुछ भी नहीं है बस ये खिचड़ी दलिया आलू और जो जो खा सकते हैं बस, ग्रीन वेजिटेबल सारे और फ्रूट्स है और खूब सारा मीठा खा के हमारा पेट खराब कर दी। बहुत मीठा खाती है वो, उसने तो सारा झूठ बोला है, इसको पनिशमेंट मिलेगी। रुक जा, कैसे झूठ बोल दिया उसने, इतना सारा इल्ज़ाम लगा दिया हम पे। ये देखो अपने लिए दलिया बना रही है, बस ये अपने लिए दलिया बना लेती है क्योंकि हम उसको फीका बना के देते हैं तो इसने कुछ तड़का डालती है, ये इस टाइप से मैंगो अनियन और ये सब डाल के खिचड़ी अपने लिए तेज पे जो तीखा तीखा बनाती है कि हम उसको खाने देते नहीं है। हमारे कुछ भी नहीं है, सिर्फ दलिया 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 दलिया, ये हम लोग शुगर नहीं खाते हैं तो ये ब्राउन शुगर ला के रखा हुआ है, बस यही सारा कुछ है हमारे घर में। ये दाल बस पूरा वेट सबका वेट कम कर दिया, ये इसको देखो ये दुबली पतली, हमको भी ऐसा कर दिया इसने। पर बोलती कि मेरी मेहरबानी है जो तुम लोग को डाइट करा के दुबला कर दिया है। मैडम जी हाँ। मैडम जी पापा खा सकते हैं? नहीं खा सकते बेचारे, बोल रहे खाने का। नहीं नहीं हम मूवी देखेंगे तब हम खा लेंगे, रहने दो मैं खाऊंगी साथ। मुझे फीवर है, देख कितना गर्म है हाथ। मेरा तो ऑलवेज रहता है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाऊंगी मैं, तेरे कारण सब बीमार पड़ रहे हैं। तो हमारे घर में ये देखिए कपड़े का भंडार है क्योंकि ये बारिश इतनी तेज बारिश हो रही कि कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं। ये देखिए रास्ता पूरा ये पानी से भर चुका है, इतनी बारिश हो रही है। वो देखिए आप देख सकते हैं आप, और अभी इसी बारिश में भीगते हुए मैं जाऊँगी, भीगते हुए नहीं। ये देखो ये एप्पल खा रही है एप्पल, क्योंकि घर में बस यही सब कुछ है, नो पराठे नो ऑयल नथिंग। हमने तो बिना तेल के भी खाना खाए है ना, है ना, एक हफ्ता हम लोग ने तेल भी घर पे नहीं लाया।
और ये इसका चालू हो गया है, अब ये दलिया खाएगी और इसे टीवी देखेगी। हे भगवान, घर का कुछ काम नहीं करती आज, मैं आज पूरा घर साफ हो जाना चाहिए। ठीक है, बस ये हमारे घर में एक ही हमारे फूल ही है जो बेचारा अच्छे से खिल रहा है। ये खुशबू खुशबू करो रहे घर पे। तो चलिए, आपने देखा है अभी हमारे घर में बहुत सारा काम है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मुझे सारा काम सौंप के मैं जाऊँगी शॉप। इतने बारिश में मुझे नहीं पता, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कोई नहीं। तो चलिए सब लोग मिलते हैं शाम को या फिर कल के ब्लॉग्स में। थैंक यू, बाय, शेयर, लाइक, कमेंट एंड लॉट्स ऑफ लव।